नमस्कार, मैं पवन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जॉब विद पीडी में। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, आपकी प्रमेय संख्या निकालनी है। इसके अंदर प्रमेय संख्या 3 और 4 के बीच में हमें 6 प्रमेय संख्या निकालनी है। तो हम सेकंड मेथड से सोल्व करेंगे, ठीक है। सेकंड मेथड क्या था अपनी, जितनी भी हमें प्रमेय संख्या निकालनी है उसमें हम ऐड कर देते हैं। हमें 6 प्रमेय संख्या निकालनी है तो इसमें हम 1 ऐड कर देंगे, तब हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 7 को यहाँ पे हम ऊपर नीचे अंश और हर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 को ऊपर भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और इसको 7 से भी, 4 को भी ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 21/7 आ गया। ये आपका कितना हो गया, 28/7 आ गया, ठीक है। अब आप 21/7 है, 28/7 के मध्य की संख्या लिख सकते हो क्या, आराम से लिख सकते हो। कैसे, ये हो गया 22/7 है, 23/7 है, 24/7, 25/7 है, 26/7 है, और ये आपकी 27/7। ये थोड़ा सा मैं बड़ा लिख देता हूँ, यह आपका हो गया 27/7 है और 28/7 है। अब हमें 6 प्रमेय संख्या पूछी थी 3 और 4 के बीच में, तो ये तो 3 ही है। 21 के अंदर 7 का भाग देते हैं 3 ही आते हैं, 28 के अंदर 7 का भाग देते हैं तो 4 ही तो आते हैं। तो ये हमारी 3 और 4 के मध्य कितनी प्रमेय संख्या होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रमेय संख्या होगी। अगर कोई कट रही है ना तो काट देंगे, अदरवाइज इसको हम ऐसा का ऐसा लिख देंगे। यहाँ पे कोई भी संख्या कट नहीं रही है तो हम ऐसा का ऐसा इसको लिख देंगे, अगर कोई कटती है तो उसको हम काट देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी 6 प्रमेय संख्या होगी। सेकंड क्वेश्चन अपना सोल्व हो गया, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। जितने निकालनी उसमें 1 ऐड करके इसको ऊपर नीचे हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और इनके बीच की संख्या लिखनी है। काफी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, दो संख्याओं के बीच में प्रमेय संख्या निकालना। उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।